अगर आपको कोई बोले कि आप अपने रेगुलर पैड को छोड़ करके टैम्पॉन यूज करो जो कि कुछ इस तरीके का होता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं बता दूं, टैम्पॉन को ऐसे इंसर्ट करना होता है अपनी वजाइनल एरिया में, कुछ इस तरीके से इंसर्ट होगा और स्ट्रिंग निकलेगी। क्या आप ये यूज कर पाओगे? क्या रिएक्शन होगा? मुझे लगता है आप लोग बोलने वाले हो, बकवास, वाहियात आइडिया है, इसको कौन यूज़ करेगा, ये अगर वजाइना में जाके खो जाता है, या इसे शॉक सिंड्रोम भी होते हैं, और भी बहुत सारे आपके पास रीजंस होंगे टैम्पॉन यूज़ ना करने के, जो कि बिल्कुल आप अपनी जगह सही हो। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आखिर टैम्पॉन्स बनाए क्यों गए हैं, क्यों फॉरेन की लड़कियाँ इतना ज़्यादा टैम्पॉन्स यूज़ करती हैं। आपको जान के हैरानी होगी, वहाँ पे 80% से भी ज़्यादा विमेन टैम्पॉन यूज़ करती हैं, पैड बहुत कम यूज़ किया जाता है और ये बहुत कम्फर्टेबल होता है। क्यों? मैं आज आपको टैम्पॉन के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स दोनों बताऊंगी। वीडियो होने वाली है बहुत इन्फॉर्मेटिव। मैं ये नहीं कह रही आप पैड छोड़ करके टैम्पॉन यूज़ करना स्टार्ट कर दो, बट मैं ये ज़रूर बोल रही हूँ कि अगर मार्केट में कोई नई चीज़ आई है हम लड़कियों की दुख तकलीफ पीड़ित की दूर करने के लिए, तो एक बार ट्राई करने में ज़्यादा क्या है, ट्राई ना भी करो। जनरल नॉलेज के लिए पता तो होना चाहिए ना, कितने लोगों को इसके बारे में पता था, है या यूज़ करते हैं, कॉमेंट ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। आज लेके आई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मेरी बहुत सारे व्यूवर्स ने मेंस्ट्रुअल कप के बाद मुझसे रिक्वेस्ट किया कि टैम्पॉन के बारे में भी बताओ, तो आज मैं आपको बताऊंगी आप टैम्पॉन कैसे यूज कर सकते हो। पर्सन टू पर्सन हर किसी की चॉइस अलग होती है। कोई पैड में कंफर्टेबल होता है, कोई मेंस्ट्रुअल कप में, और कुछ लड़कियां टैम्पॉन भी यूज करती हैं उसमें कंफर्टेबल होती है, और कुछ यूज करना चाहती हैं लेकिन उनको डर लगता है क्योंकि प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और अवेयरनेस टैम्पॉन के यूसेज का इंडिया में बहुत कम है। वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, आपके रिक्वेस्ट पे बन रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो लेकिन शेयर करना भूल जाते हो। आप प्लीज, मैं हाईली रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस। लड़कियों को पता होना चाहिए कि तकनीक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों ने पहले कपड़ा यूज किया, फिर पैड यूज किया, मेंस्ट्रुअल कप, अब टैम्पॉन भी है, तो आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से ये भी चूज कर सकती हैं। आप मानेंगे नहीं, जब सबसे पहले मेरे पीरियड्स हुए थे मैंने अपना पीरियड जर्नी कपड़े से स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे मैंने पैड यूज़ करना स्टार्ट किया, और पैड के बाद अब जैसे ही टाइम एडवांस होता गया मैं मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन भी मैं यूज़ करती हूँ। पैड यूज़ करना बहुत कंफर्टेबल है, मोस्टली सारी लड़कियाँ पैड्स को ही प्रेफर करती हैं, वही यूज़ करना चाहती हैं। लेकिन पैड में एक प्रॉब्लम हर लड़की को होती है, वो आप डेमो में देख लीजिए। तो ये रहा पैड। पैड के ऊपर अगर आपका फ्लो होता है, मैं यहाँ पे कॉफ़ी का पानी दिखा रही हूँ, तो पैड के ऊपर अगर आपका ब्लड फ्लो गिरता है तो वो एब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन थोड़ा गीलापन ज़रूर रहता है। कुछ ऐसे एडवांस्ड पैड भी आते हैं जो पानी को जेल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रिस्की हो सकता है लॉन्ग रन में अगर यूज़ करें तो, क्योंकि जेल में जब कन्वर्ट होता है तो केमिकल्स भी छोड़ता है। और अगर नॉर्मल कॉटन पैड की बात करें तो क्योंकि वो गीला रहता है तो आपको गीले डायपर जैसा फील होता है। इतना गीलापन पैंटी में लेकर के घूमने में हम लड़कियां हो जाती हैं अनकंफर्टेबल, तो सिर्फ एक यही रीज़न है। और क्योंकि ये चिपचिपा रहता है आपके वजाइनल जेनिटल एरिया में, आपके बम्प्स में रैशेज हो जाते हैं, वजाइना इचिंग सा हो जाता है, तो इसलिए आप इसको यूज करना नहीं चाहोगे, इसलिए मैंने आपको पैड की जगह मेंस्ट्रुअल कप का ऑप्शन दिया था। लेकिन अगर आप उन लड़कियों में से हैं जो टैम्पॉन ट्राई करना चाहती हैं, और अगर नहीं भी ट्राई करना चाहती हैं, तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि लड़कियों के लिए टैम्पॉन नाम का एक वस्तु भी होता है। टैम्पॉन के मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। आजकल यूट्यूब पे मैं टैम्पॉन की एड भी देख रही हूँ, पहले नहीं थी इंडिया में, अब रिसेंटली आना स्टार्ट हो गया है, बहुत जल्दी आप टीवी में भी एड देखोगे। बट जो मैंने ऐड देखी है वो ले टैम्पॉन कुछ ऐसा सा है, ये छोटा सा, लेकिन जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये थोड़ा बड़ा है, ये एप्लीकेटर के साथ आता है। जब आप छोटा टैम्पॉन यूज़ करते हो तो आपको पता नहीं रहता है कि वजाइनल एरिया में कैसे इंसर्ट करना है, डायरेक्शन क्या है, फिट होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आप इस तरीके का टैम्पॉन यूज़ करते हो जिसके अंदर एप्लीकेटर दे रखा है, तो ये आपके यूसेज में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। फिलहाल मैं आपको एवरटीन का टैम्पॉन शो कर रही हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहती हैं तो अपने लिए वहाँ से कर सकती हैं, क्योंकि इजीली मार्केट में केमिस्ट की शॉप्स पे इंडिया में आपको इजीली तो टैम्पॉन नहीं मिलेगा। हाँ, सुपरमार्केट वगैरह में जाओगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एवरटीन का टैम्पॉन ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर कोई अलग से फ्रेग्रेंस नहीं है। बाकी के टैम्पॉन्स में फ्रेग्रेंस होता है जो आपके वजाइना के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये वाला नेचुरल है और कोई भी इसके अंदर केमिकल मटेरियल नहीं है, तो ये वाला मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ। बाकी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो हो सकता है उसके अंदर केमिकल्स वगैरह हो और रिएक्शन कर जाए। और एक बात और,
पैड पहन करके आप स्विमिंग करने नहीं जा सकती हैं, लेकिन अगर आप मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन यूज़ करें तो आप स्विमिंग करने जा सकती हैं। रनिंग, जॉगिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप इजीली कर पाएंगी, क्योंकि जब आप मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन यूज़ करती हैं तो आपको अंदर कुछ फील ही नहीं होता है, आप भूल जाती हैं कि आपके पीरियड्स आए हुए हैं, और वो चिपचिपा, गीलापन, रैशेस वाली फीलिंग नहीं रहती है। इनफैक्ट अगर बारिश का सीजन है, अगर आपने छाता नहीं ले रखा है और पैड लगा रखा है तो गीले हो जाओगे तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। और ऐसे टाइम में अगर आपने टैम्पॉन लिया है तो बारिश में भी अगर आप भीगते हो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका ब्लड टैम्पॉन सोक कर ले। एवरग्रीन का टैम्पॉन कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है जो कि पूरी तरह से हाइजीनिक होता है। आपको रैपर को फाड़ना है, रैपर को फाड़ोगे तो आपको ये कुछ ऐसा सा एप्लीकेटर मिल जाएगा। इस एप्लीकेटर को आप अपने वजाइनल एरिया में इंसर्ट करोगे। फिर कुछ टीनएजर्स लड़कियां हैं, उनको पता नहीं चलता है कि उनकी वजाइनल ओपनिंग कहाँ है, क्योंकि ऐसा होता है, तो आप मिरर लेकर के जब भी आपके पीरियड्स आते हैं ना तो आप चेक कर सकते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। आपके तीन ओपनिंग होती है, एक यूरिन पास करने के लिए, एक स्टूल पास करने के लिए, और एक वजाइनल ओपनिंग होती है जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, आगे चल के बेबी होता है, और ये बीच में होता है वजाइनल वाला, ठीक है। तो आप देखिए जो पीरियड्स में फिंगर से कि कहाँ से आपका ब्लड आ रहा है, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, डिस्कवर कर पाएंगे कि आपका वजाइनल एरिया आखिर है कहाँ। तो ये आपकी वजाइना का मॉडल है, और वजाइना आपका सीधा नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। आप सीधे ऐसे इंसर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करके आप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लीजिए, वजाइनल एरिया भी अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो जैसे कि आपका वजाइनल ओपनिंग है, फिंगर डाल करके आप वजाइनल का एरिया आप देखेंगे कहाँ पे है। जब आपको लगे कि आपका वजाइनल ओपनिंग है तो वहाँ आप अपना टैम्पॉन ऐसे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद दो उंगलियाँ यहाँ रखेंगे और एक थंब यहाँ रखेंगे, और उसके बाद ये इसको आपको पुश करना है अंदर की तरफ। अगर आप अंदर की तरफ पुश करेंगे तो इसके अंदर से इसका एप्लीकेटर हेल्प करेगा टैम्पॉन को अंदर खिसकाने में, और टैम्पॉन अपने आप अपनी सही जगह पे आ जाएगा, और आप इसको इस तरह से निकाल लीजिए। यहाँ एक स्ट्रिंग लटकती हुई नज़र आएगी, उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, और आराम से टैम्पॉन आपका अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये आपका टैम्पॉन थोड़ा वजाइनल लिप के ऊपर होता है, वजाइनल लिप के नीचे या उसके आसपास नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब आप वॉक करेंगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आपको ऐसा लगा अगर ये अंदर खो गया तो मैं आपको बता दूं, जो आपका वजाइनल कैनाल है ये 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, और उसके बाद आपका सर्विक्स आ जाता है यहाँ पे। तो जो आपका सर्विक्स होता है यहाँ पे सिर्फ इतना ही होल होता है कि एक सीमन अंदर जा सके, या फिर यूट्रस से ब्लड निकल करके बाहर आ सके। तो यूट्रस से ब्लड जब निकलेगा तो सीधा टैम्पॉन के ऊपर गिरेगा, और जैसे ही टैम्पॉन के ऊपर ब्लड गिरेगा ये अपना साइज फैला लेता है, पानी के या लिक्विड के टच में आने के लिए ये फैल जाता है। कैसे फैल जाता है इसका डेमो आप देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो ये टैम्पॉन को मैंने डिप किया है पानी के अंदर, तो आप देखिए किस तरीके से ये फूल गया है। तो ऐसे ये अंदर फूल जाता है, और वजाइना अपने आप इतना इसके लिए जगह बना देती है, एक्सपेंड हो जाता है कि उसके फिट होने की जगह हो जाती है। तो ये पूरी तरह से सील लॉक हो जाता है, और सारा ब्लड का फ्लो यूट्रस से होते हुए टैम्पॉन के अंदर यहाँ पे आता है, और आप कितना भी उछले कूदे, चले, भागे, ये अपनी जगह से गिरने वाला नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। हाँ, ये स्ट्रिंग लटकी रहती है ताकि 4 से 5 घंटे बाद जब आपको लगे कि ये पूरा फुल हो चुका है, आप सिंपली स्ट्रिंग को ऐसे खींच करके निकालें और इसको एक पेपर में रैप करके फेंक दें। आई थिंक इस डेमो से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, आपके वजाइना में कुछ भी खो नहीं सकता है। आपको हमेशा टैम्पॉन 4 से 5 घंटे बाद चेंज कर देना चाहिए। आप टैम्पॉन पहन के स्विमिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप टैम्पॉन पहन के सो भी सकती हैं, लेकिन ये याद रखें कि 8 घंटे से ज़्यादा अगर आपने टैम्पॉन को अपने अंदर रखा तो वो अच्छा नहीं होगा, बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। पैड को भी इतने देर तक नहीं रखना चाहिए, सिमिलरली टैम्पॉन को भी नहीं रखना चाहिए। आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से शॉक सिंड्रोम के बारे में सुना होगा, वो तब होता है जब आप टैम्पॉन को एक तय सीमा से ज़्यादा यूज़ करते हो। एक टैम्पॉन को सिर्फ 4 से 5 घंटा यूज़ करना है, अगर आप वो टैम्पॉन पहन करके भूल जाते हो 8 से ज़्यादा घंटे के लिए आप वो टैम्पॉन यूज़ करते हो, तो आपको शॉक सिंड्रोम के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको टैम्पॉन यूज़ करते टाइम ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहिए। कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसके कुछ यू नो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, डूज एंड डोंट याद रहे। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि टैम्पॉन यूज़ करने के बाद क्या हम अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर देंगे। आप टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप कुछ भी यूज़ करें, आप अपनी वर्जिनिटी लूज़ नहीं करते। वर्जिनिटी आप तभी लूज़ करते हैं जब आप इंटरकोर्स करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपनी शादी के बाद ईजिली टैम्पॉन यूज़ कर सकते हैं, चाहे टैम्पॉन हो या मेंस्ट्रुअल कप, यूज़ इट आफ्टर योर मैरिज।
टेम्पोन चार तरीके के होते हैं, जब आपका लाइट फ्लो होता है, हैवी, मीडियम फ्लो होता है, उसके हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। तो वो पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि आप कौन से फ्लो, कौन से दिन के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से यूज़ कीजिए। आपका डाउट है कि क्या टेम्पोन को यूज़ करते टाइम आपको दर्द होगा, वो इतना दर्द होगा जैसे आपको कोई खरोच सी लगती है ना, इससे भी कम। आपको बस लगेगा कि हाँ कुछ आपने इंसर्ट किया है, लेकिन एक बार एक दो दिन के लिए आपको लगेगा, पर तीसरे दिन आप मे बी दूसरे दिन आप भूल जाओगे कि आपने टेम्पोन यूज़ किया। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ्री फील करते हो। पैड से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल कप और टेम्पोन। टेम्पॉन को हमेशा अपने पीरियड्स के दिनों में ही यूज़ करें। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेटिव और डिटेल वीडियो अबाउट टेम्पॉन्स। आई होप मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरी को सॉल्व किया होगा। अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जितना हो सकता ना उतना हर लड़की तक स्प्रेड कर दो, ताकि सबको टेम्पॉन के बेनिफिट्स के बारे में पता चले। अगर कोई पैड यूज़ करने में अनकम्फर्टेबल है तो हम उसको क्यों ना एक और अच्छे ऑप्शन के बारे में बताएं। मैंने यूज़ किया है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है मेंस्ट्रुअल कप और टेम्पॉन। पैड यूज़ करना तो मैं भूल ही चुकी हूँ। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।